Thank <laughs> you. ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम रा। राम आरती बहन जैसे कि आज महीने का तीसरा मंगलवार है और आज के दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है और ये विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड खेतों में जब पॉली डाली जाएगी आवश्यक तत्वों तो की कमी दूर हो जाएगी मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी आई की पॉली हेलाइट आई की पॉली हेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी फसलों की उत्पादकता तो खूब बढ़ाएगी किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी पॉली हेलाइट आई पी की पॉली हेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली की समझदार किसानों की पहली पसंद आईपीएल की पॉली हेलाइट तो चलिए श्रोताओं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आरती बहन बताएंगे विषय बिल्कुल शीतल बहन जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसका विषय है गन्ने की फसल सुरक्षा और समसामयिक कार्य और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर यूएस एस तेवतिया जो कि मुख्य प्रबंधक है कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से और दूसरे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं आती बहन वो कौन है वो है शीतल बहन डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा प्रभारी हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश से जी बिल्कुल जिन श्रोताओं को भी इस गन्ने की फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए जो भी समसामयिक कार्य होते हैं जो समय चल रहा है उसके अनुसार क्या करना चाहिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप हमारे आमंत्रित जो विशेषज्ञ हैं उनसे फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और जब फोन के जिक्र हुआ है तो हम अपने श्रोताओं जी बिल्कुल भाई जिन फोन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर है शून्य एक एक दो तीन चार दो एक शून्य आठ दो और हमारा जो दूसरा नंबर है शून्य एक एक दो तीन चार दो एक शून्य आठ तीन तो ये दो नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कोई भी समस्या है उसका हल जी बिल्कुल शून्य एक एक दिल्ली का एसटीडी कोड है अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो शून्य एक एक लगाना ना भूले और अब आप मोबाइल से भी फोन करते हैं कहीं से भी फोन करते हैं तो शून्य एक एक लगाना अनिवार्य होगा तो चलिए देर नहीं करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विनोद तो चलती चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास डॉक्टर यू एस देवतिया जी आप हैं मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटास लिमिटेड न्यू दिल्ली तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम में स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद तो डॉक्टर साहब आज बात करेंगे कि भाई जो गन्ने की फसल है उसकी जो सुरक्षा करनी है और ये जो टाइम है बारिश का समसामयिक जो कार्य है इसमें वो करने हैं इसके लिए और भाई इसके साथ साथ जो हमारे श्रोता है वो फोन इन प्रोग्राम है उनको पता है कि महीने का तीसरा मंगलवार है तो जो फोन कॉल्स है उसका हमें इंतजार रहता है और बेसब्री से जो किसान साथी हैं उन्हें जो भी उनके सवाल हैं जानना चाहते हैं कि भाई गन्ने की फसल में ईवाल में जो कीड़े हैं या जो बीमारी आ जाए हैं उन सब के जवाब मिलेंगे और जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ हैं तो डॉक्टर साहब ई अगर बात करें हम चौमासे के टाइम में खासतौर से बारिश का जो टाइम है इसमें तो कौन कौन सी ऐसे समस्या कार्य है जो हम खेत में कर सका देखिए विनोद भाई इस समय जो है बारिश का समय चल रहा है और सबसे पहले किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि फसल की बंधाई समय पर कर दें जी। क्योंकि अगर बंधाई नहीं होगी और थोड़ी हवा तेज चल गई तो उसके गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दूसरा थोड़ा मौसम जो है आजकल मोबाइल पे भी वो बताता रहता है कि कब बारिश होगी पूर्वानुमान पहले पूर्वानुमान आता है। रहता है। उस पर भी ध्यान रखें और जब बारिश होने वाली हो या तेज बारिश होने वाली हो उस समय खेत में पानी देने से थोड़ा बचे ठीक है क्योंकि अगर ध्यान रखना पड़ेगा हाँ अगर पानी दे दिया उस समय उस समय बारिश भी हो गई फिर आंधी भी आ गई तो वो गिरने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है जी तो एक तो ये बात रखना चाहिए बंधाई इस समय किनी किनी जो अक्टूबर की जो बुई हुई है उनमें तीसरी बंधाई चल रही है जो मई की है उनमें पहली बंधाई चल रही है जी लेकिन उसमें ध्यान रखने की योग बातें है ये हैं कि जब बांध है तो उसमें जो नई वृद्धि करने वाले जो पौधे हैं जो टिलर्स कहते हैं नया फुटाव बिल्कुल जिसमें नया है उसको जो जूना होता है लगाते हैं उसके नीचे ना दबा दें नहीं तो उसकी जो है ग्रोथ रुक जाएगी और तो, भी जो है वो भी अपना पतला जाए हाँ उसका क्योंकि देखिए उसका दम घुटता है और अगर जितने पत्तियां खुली हुई रहेंगी देखो ये मजबूरी है बांधने की वरना कोई ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि भाई इससे बहुत ज्यादा वृद्धि होती है सही बात है ये प्रैक्टिस केवल इसलिए कि के गन्ना गिरने से बचाना है क्योंकि गिरने के बाद तो फसल की जो पैदावार है वो बहुत ही ज्यादा घट जाती है खत्म हो जाएगी और जब वो गिरेगा तो कहीं ना कहीं तो टूट भी सके है टूट तर... भी सकता है वजन घट जाता गट है जमने लगती है आंखें चूहे हो जाते हैं गीदड़ खा जाते हैं हाँ। मतलब गिरने के बाद तो नुकसान ही नुकसान है किसान का तो इससे अच्छा है कि उसको बांध के अगर थोड़ी बहुत पैदावार कम भी होती है तो भी वो जो है सही है और उसकी फसल गिरने से बच जाती जी तो सबसे बात ये है दूसरी बात ये है कि इस समय जो है कीड़ों का प्रकोप काफी रहता है बीमारियों का प्रकोप रहता है क्योंकि जो ये फसल के लिए बहुत अच्छी इस समय ह्यूमिडिटी और तापमान का जो क्लाइमेट है बरसात ऋतु में गन्ने की जो पैदावार है सबसे ज्यादा बढ़ती है बिल्कुल डॉक्टर साहब बात करेंगे और एक कॉलर है लाइन पे तो एक फोन आया है तो फोन ले लेते हैं जी हेलो नमस्कार साहब नमस्कार जी नाम बताए अपना मेरा नाम मास्टर हुकम सिंह है तो हुक्म सिंह जी जो आपका रेडियो सेट है उसकी आवाज़ थोड़ा सा बंद कर लीजिए वो उसकी ज्यादा आ रही है हाँ अच्छा। जी ग्राम करौची कस्बा जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ जी हुम सिंह जी स्वागत है आपका पूछिए सड़क के सहारे सड़क के किनारे खेत है करने का उसमें बंदर बहुत नुकसान कर रहे हैं जी इसके लिए कोई निजात मिल सकती है देखिए ऐसा है बंदरों को तो जिमाया जाता है और भाई बंदरों के कंट्रोल के लिए कोई हम ऐसा वो नहीं बता सकते कि वे उनको मार दिया जाए या उनको जहर दे दिया जाए ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप अगर ज़्यादा परेशान है तो वन विभाग को जो है आप सूचित कीजिए वो उनको पकड़ के कहीं और छोड़ सकते हैं बस इतना हम सजेस्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं और ये तो तोर पे, जैसे जो अपना नहरी क्षेत्र है या फिर सड़क के ऐसा हो सकता है इनका कि पहले ना रही हो ये प्रॉब्लम कोई कोई छोड़ गया हो इनके यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बंदर की रहती है तो हुम सिंह जी इसमें तो आप भी जानते हैं कि हम कृषि वैज्ञानिक हैं तो वो फसल भी की भी? कोई बीमारी कीट हो तो बताएं अब गीदड़ खाना और ये जो है सुअर खाना नील गाय का नुकसान होना बंदर नुकसान करना बिल्कुल बात करेंगे एक और कॉलर है लाइन पे हेलो नमस्कार नमस्कार जी, जी। नाम बताए अपना सिंह जी स्वागत है आपका सबसे पहले प्रोग्राम में तो क्या प्रश्न है आपका जग ज तो हम कुछ पूछ जाए डॉक्टर साहब इस पत्ती ने बाहर निकालना है निकालने और इसके उतारने के, के फायदे हैं? देखिए उतारने के फायदे एक फायदा ये है कि उसके जो पत्ती के नीचे जो कीड़े अंडे देते हैं वो नहीं पनप पाएंगे उनसे सूंडियां नहीं निकल पाएंगी सबसे पहला फायदा तो ये है दूसरा बारिश होगी अगर थोड़ा बहुत दे भी दिया होगा तो बारिश से के सब नीचे आ जाएंगे। तीसरा फायदा ये हवा पास हो जाएगी आपकी गिरने की संभावना कम हो जाएगी फसल की और पाती को आप जमीन में गिराइए बाहर मत निकालिए एक मीटर पर सवा मीटर पे है हाँ तो कोई बात नहीं सारी पत्ती को आप बीच में फैला दीजिए उससे आपके खरपतवार भी नियंत्रित होंगे वो पंद्रह बीस दिन में बारिश का समय वैसे ही गल जाएगी वो और वो आपके खाद का भी काम करेगी और उसमें और आपके कैंचुए बहुत अच्छी तरह से आप उसमें पनप सकते हैं तो वो फायदेमंद रहेगी तो डॉक्टर साहब जैसे मतलब खास तौर से जो भाई अपना जैविकता की तरफ अभी जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है कि भाई जैसे खेत में है अगर जो उसकी पत्ती हमने उतारी है उसमें थोड़ा तो सा अपना कैंच छोड़ दे या फिर देर वगैरह के स्प्रे करते पहले हाँ देखो डीकम्पोजर इसमें स्प्रे कर भी सकते हैं उसमें थोड़ा सा ये है कि इस समय करने की जरूरत है नहीं करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बहुत जल्दी साफ करने की किसान को जरूरत नहीं है कि भाई उसको डिकम्पोज करके कोई और फसल बोना है उसको। और ये थोड़ा समस्या बारिश का टाइम है बारिश का टाइम तो है अपने आपने आप कलन, अपने आपने आप ले ले। अब देखिए वो स्प्रे करेगा डिकम्पोजर लाएगा लेबर का खर्चा होगा और फिर गन्ने में घुस भी नहीं सकते घुसने में भी थोड़ा कीड़े सांप वगैरह ये सब थोड़ा सा मतलब ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है इसकी अपने आप ही गल जाएगी तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे भाई जो गंडे की हमने बंधाई करनी है उसके बारे में तो इसमें सावधानी क्या क्या रखना हाँ, तो जैसा बताया सावधानी का को दो तीन सावधानी मेन है एक तो जो अपने पौधे हैं टिलर हैं जो नए आए उनको ना दबा दें दूसरा गन्ना जहाँ पे जो मोटा गन्ने को बांधे जी और पहली जो बंधाई है वो लगभग आप जो पेट और छाती के बीच में गन्ना आता है आदमी के उसपे बांधे जी और दूसरी जो है केवल उसमें ऊपर एक जूना लगाना होता है दो फीट ऊपर उसमें लगाए तीसरी में वो काफी पौधों को जोड़ के ना ऊपर बना दिया जाता है तिपाई बना दी जाती है तो उसके बाद में गन्ने के गिरने की संभावना कम हो जाती है और जून को मजबूत बांधे लेकिन टाइट ना करें उसको जून जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए लेकिन उसको ज्यादा टाइट ना करें ज्यादा टाइट करने से पत्तियां बहुत ज्यादा जो पास पास हो जाती है और मतलब तो जो एक फुलाव होना है उसमें गन्ने में जो एक होने वो नहीं हो पा हाँ देखिए जो प्रकाश सिंशलेषण की क्रिया है वो उस सतह पर होती है जो सनलाइट पड़ती है तो जितना उनको ज्यादा आप बांध दोगे तो सनलाइट वाला एरिया कम मिलेगा पौधे का हुँ। तो इसीलिए पौधे की वृद्धि हल्की सी कम हो जाती है उससे तो ऐसा कोशिश करें कि जो ऊपर का अगोला और पत्तियां हैं उनपे थोड़ा वो वो खुले रहे जो गन्ना है जहां पे वहां से बांध कुछ लोग क्या है ऊपर तक बांध देते हैं तो उससे तो बहुत वृद्धि जो है उसकी प्रभावित हो जाती है करने की और कम हो जाती है बिल्कुल और डॉक्टर साहब जैसे मान लो जब बंधाई तो हम कर ही रहे हैं तो कुछ मतलब जैसे हम कपड़े पहनते हैं एक तो पूरी बाजूगे हैं या फिर दस्ताने कुछ इस तरीके की भी सावधानियां हमें रखनी है सावधानी बिल्कुल आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है और पत्तियां काट देती हैं शरीर को उसमें पूरा आप कोई अब आजकल तो हेलमेट पहन लेते हैं लोग छोटी तो छोटी मखिया होती हैं जो गन्दे में खास तौर से आर, आ हैं शीशा बिल्कुल ढक लेते हैं चश्मे लगाते हैं दस्ताने पहनते हैं पूरी बाजू की शर्ट पहनते हैं नीचे जो वो जूते होते हैं जो बड़ी ऊपर तक होते हैं जो, जो, वाले, जो जंगल बूट कहते हाँ, हैं घुटने तक आते हैं घुटने तक आते हैं क्योंकि कीड़ा कांटा कोई सांप वगैरह ना काट खाए या कोई ऐसा कोई जहरीला कोई मकड़ी रकड़ी ये सब जो है ये ना काट पाए तो उसलिए जो है वो ऊंचे जूते पहनते हैं और बिल्कुल टाइट पहनते हैं और मुंह पे कपड़ा हल्का सा कॉटन का कपड़ा बांधना चाहिए जी। जिससे कि थोड़ा जो गैस वैस का प्रभाव ना पड़े और समय समय पर एकदम से ज्यादा अंदर ना रहे तो कुछ थोड़ा सा बाहर भी निकलते रहे उससे जिससे थोड़ा फ्रेश होते रहे और ऑक्सीजन मिलती रहे ताजी हवा लेते रहे तो इस तरह से ये सावधानियां रखनी बहुत जरूरी बिल्कुल और डॉक्टर साहब एक चीज हो रहा है जब हम बंदाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे एक जुड़े तो दूसरे जुड़े का जो हम ध्यान रखे हैं जो गैप है उसका वो कितना हमने उसमें रखना चाहिए देखिए मैंने पहले भी बताया कि उसका पहला जो जूना है हुँ. वो पेट और छाती के बीच में आना चाहिए वो उस पर भी डिपेंड -डि करता है कि पढ़वार कैसी है हाँ. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा जल्दी बंधाई करने में फिर वो उसको हम पेट के और छाती के बीच में लेंगे हाँ। तो उसके अगोले आ जाएंगे अगर कम वृद्धि हुई हो तो उस समय करें कि जब वहां तक कुछ गन्ना बन गया हो हाँ बिल्कुल पोरी बन रही हो पोरी बन गई हो वो करें उसके बाद दूसरा जो जूना लगाया जाता है वो उसी पर सेम दो फुट ऊपर लगाया जाता है और तीसरा तो फिर उनको आपस में जो मेड़े हैं आपस के जो लगे हुए हैं उनको जोड़ दिया जाता है तिपाई बना दी जाती है तो ये इस तरह से बंधाई करते हैं और ध्यान रखते हैं कि पानी जब ना लगाए जब बारिश आने की उम्मीद हो और आंधी आने की पूर्वानुमान बताया जा रहा बिल्कुल तो ये तो बंधाई की बात होगी और डॉक्टर साहब अभी जैसे बारिश का टाइम चल रहा है और इस टाइम पर हम देखें एक तो जो खरपतवार है बहुत ज्यादा आज है और ईख के खेत में तो खासतौर पर हरे चारे खातर भी हम खरपतवार है जो उनका इस्तेमाल कर रहा है तो जो इसमें वीडर है उनका तो इस्तेमाल हम करते नहीं है तो क्या कुछ सावधानियां इसमें और कर सका हम देखिये विनोद भाई खरपतवार की समस्या गन्ने में बहुत ज्यादा है और बारिश से पहले अगर जिसने खेत साफ कर लिया बिल्कुल तो उसके उसमें फिर जो है गन्ने की वृद्धि पर खरपतवारों का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है क्योंकि अगर पहले से खरपतवार होंगे तो बारिश में तो एकदम से इतने बढ़ जाएंगे कि उसमें घुस भी नहीं सकते बिल्कुल और जो मुख्य फसल है उसमें जो, उसने जो खुराक मिलनी है या फिर खेत में हमने जो खुराक दे रखी है उसने खरपतवार खा जाएंगे। खरपतवार कंपटीशन करेंगे खरपतवार फसल से ज्यादा लेंगे जी खरपतवार को प्रकृति ने ज्यादा शक्ति दी है हाँ। उसकी जड़े ज्यादा घेरी जाती है वो वहां गन्ने की जड़ जहां होती है वहां तक उनकी जड़ें पहुंच जाती हैं तो वो पानी के लिए भी और न्यूट्रिशन के लिए भी उनसे प्रतिस्पर्धा करती हैं तो इसलिए किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बारिश होने से पहले खेतों को साफ रखें पहली बात तो है दूसरी बात ये वीडिसाइड का उपयोग भी आप जब तक कर सकते हो गन्ने में जब तक पोरिया ना बनी हो जी अगर छोटे अवस्था में हाँ अगर पोरी खुल गई तो अगर उसपे वीडी साइड पड़ गया जी। तो उसमें जो है म्यूटेशन हो जाता है म्यूटेशन कहते हैं कि अप्रत्याशित वृद्धि कहते हैं वृद्धि कहना चाहिए कि आंख है आंख वो अंग भ्रंग हो जाएगा वो जमने लग जाएगी उसकी वृद्धि रुक जाएगी अब जो वो जमने लगेगी तो ऊपर से वृद्धि रुक जाएगी बिल्कुल उसकी सुगर जो डाइवर्ट हो जाएगी गन्ना किसी काम का नहीं रहेगा तो मैं तो ये कहूंगा कि पूरी बनने के बाद वीडी साइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और डॉक्टर साहब जो हमारे श्रोता हैं एक बार उनको फिर बता दें कि भाई जो आज का विषय है वो है गन्ने की फसल सुरक्षा और समसामायिक कार्य इसके बारे में और श्रोताओं के जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं फोन नंबर है दो तीन चार दो एक शून्य आठ दो इसके अलावा एक नंबर और है दो तीन चार दो एक शून्य आठ तीन और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं मोबाइल से जो डायल करते हैं वो दिल्ली का एस कोड जीरो एक एक जरूर डायल करें और जो भी उनके सवाल हैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो खरपतवार आ गई है देखिए वो तो समय से पहले हमने कर लिया या इस समय तो कोई इलाज उसका नहीं है क्योंकि गन्ना ज्यादा बड़ा हो गया है अब तो निकाल भी नहीं सकते उसको या फिर जो ओरबीडी साइड है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन कुछ ऐसे कीड़े जो

आक्रमण होना है उनका उनकी संभावना बढ़ जाए ज्यादा हो जाए क्योंकि जो क्लाइमेट गन्ने के लिए अच्छी है वो क्लाइमेट बीमारियों और कीड़ों के लिए अच्छी है तो वो भी बढ़ेंगे जी। तो और यूरिया ज्यादा होगा तो वनस्पति की जो वृद्धि होगी वो मुलायम वृद्धि होगी उस पर ज्यादा अटैक करते हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की है जी। और अगर आपको करना ही है ज्यादा तो आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं उसमें आप ट्रिपल नाइनटीन होता है उन्नीस 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 बिल्कुल उसका प्रयोग करिए आप माइक्रोन्यूट्रिय का स्प्रे कीजिए लेकिन यूरिया ना लगाए पहली बात तो ये होगी दूसरी बात ये हो गई कि कीड़ा जो मेन कीड़ा है वो टॉप बोरर इस समय परेशान करता है तो टॉप बोरर दिखाई देने से ऊपर आपको देखेंगे कि सूख जाएगा उसका कोथ जो है चोटी वेदक जो है चोटी को. वेदक कहते हैं हाँ. तो उसको किसान जो है डेली बेस पे वाच करते रहे अपने खेत में जाके ये ना करें कि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है दूर से तो उसमें ना जाए थोड़ा नजदीक जाए क्योंकि देखिये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी अगर सावधानी हो जाएगी पहले से ही तो आपकी फसल का नुकसान नहीं होगा जी तो उसमें थोड़ा अंदर भी घुसे चारों तरफ भी खेत के घूमे एक तरफ ही ना के रोजाना जा रहे एक तरफ से देख के वापिस गए, और ये ऐसा है कि दूसरे के खेत में से भी लगता है जी, तो चारों तरफ घूम कर देखे और अगर चोटी बेदक लगने लगा है तो उसमें एक थोड़ा इंतजार करें, कभी कभी बारिश से भी अपने तो आप मुख्य पहचान क्या है डॉक्टर साहब देखिए जो ऊपर से कोथ होता है वो सूख जाता है अगोला जो, जो, हाँ, जो, हाँ, जो होता है हाँ। जो बिल्कुल नया अगोला होता है वो सूख जाता है और इसमें बड़ा गन्ना होता है तो ऊपर से दवाई का पड़ना जरूरी है इस समय जो ड्रोन स्प्रे की जो आई है टेक्निक वो इसमें बहुत लाभदायक है ऊपर से वो डालता है बिल्कुल कोथ में पड़ती है दवा दूसरा क्या है कि उससे कंसंट्रेशन उसका ज्यादा रहता है दवा का जी वो जमीन पर नहीं गिरती है जो किसान भाई टंकी से स्प्रे करते हैं या करवाते हैं लेबर से हाँ। उसमें जो है दस परसेंट ही पानी रुकता है पत्तियों पे, नब्बे परसेंट नीचे गिर जाता है मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो जाएगा गन्ने की और वहां तक हाथ नहीं जा पाता या फिर मशीन की जो नोजल है वो नहीं जा पाती नहीं अगर पावर स्प्रे चली भी जाती है वो ऊंची भी जाती है मैं ये कह रहा हूँ पानी जो है जब पड़ता है पौधे पे तो वो फिसल के नीचे आता नीचे है नीचे आएगा तो जब वो नीचे आएगा तो उसमें दवा भी घुल के आएगी नहीं बिल्कुल तो जो मेरा कहने का मतलब है जो पत्ते पर दवा रुकेगी वो दस पांच या दस परसेंट होती है केवल बिल्कुल और जो ड्रोन के केस में होती है ड्रोन के केस में हंड्रेड परसेंट दवा जो पौधे पे पड़ गई जी देखो अब खाली बीच में जगह है वहां पे पड़ेगी उसकी तो मैं कहता नहीं लेकिन जो पौधे पे पड़ी है तो उसकी बूंद इतनी छोटी होती है वो फिसलने लायक होती नहीं है तो वो दवा डायरेक्ट पौधे पर पड़ती है पौधे पे पड़ती है बिल्कुल तो उससे क्या है कि प्रभावी नियंत्रण हो पाता है तो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है ड्रोन की संख्या बिल्कुल डॉक्टर साहब बात करेंगे इस पे भी और एक और कॉलर है हमारे साथ हेलो हेलो जी नाम बताएं अपना महिपाल सिंह महिपाल सिंह जी कहा से बोल रहे हैं बाटोल जिला जी महिपाल जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में और पूछिए क्या प्रश्न है आपका की फसल में आ गया अच्छा सूंढिया आ गई है कंसुआ कंसुआ अच्छा कंसुआ 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 की बात चल रही थी अभी आप आपने सुन रहे हो आप नहीं सुन रहे रेडियो हाँ तो उसी की जो चोटी बेदक कहते हैं उसी को कहते हैं ना कंसुआ हाँ वाला सूख गया ना आपका ऊपर से दवा का नाम लिख लो स्प्रे करा देना उसका बता दो दवा जाके पूछिए फोर्टी परसेंट चालीस परसेंट इमिडा क्लोप्रीड और उसमें चालीस परसेंट फिप्रोन हाँ ये दोनों जब हों तो उनको मिला के इसकी मिलती है अच्छी कंपनी का खरीदना है ब्रांडेड कंपनी का कोई ऐसा मत खरीदना नहीं। ये करके इसका स्प्रे करा दीजिए ऊपर से डॉक्टर साहब दवा एक बार दोबारा फिर बता दो लिख लीजिए ये एक टेक्निकल बता रहा हूँ मैं हम यहाँ ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते ब्रांड का नाम नहीं बताते जी. हैं तो आप वो केमिकल आते हैं बहुत सारे मार्केट में जिनमें 40 परसेंट इमीडा होता है और 40 परसेंट फिप्रोनिल होता है वो दवा मिली मिलाई आती है बनी बनाई आप उसको उसका स्प्रे कर सकते हैं लिख लिया आपने ठीक है अच्छी कंपनी की ब्रांडेड कंपनी की खरीदना दवाई कितनी लेनी है एक लीटर है एक एकड़ के हिसाब से वो ग्राम दवा आती है ये उसमें एक एकड़ के लिए काफी होती है एक एकड़ में आपका देख लेना कितनी बड़ी पांच सौ लीटर की टंकी नहीं पांच सौ लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एकड़ में आपकी देख लेना गन्ना कितना फैला हुआ उस पर भी डिपेंड करता है एक या दो टंकी बीघे में हो जाता है यानी मैक्सिमम दस टंकी होती है एक, एक एकड़ में और मिनिमम जो है पांच सात टंकी में भी हो जाता है और अगर गन्ना ज्यादा नहीं है तो आपका एक टंकी बीघे का यानी पांच टंकी भी हो जाती है तो उसमें आप जानते हो ये तो मिलाना पानी को कैसे मिलाते हैं जितनी टंकी करनी हो उतने टंकी पानी बना लो एक मग्गा डाला टंकी में पानी भरा और स्प्रे कर दो सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका प्रश्न था आपको उसका हल मिल गया होगा और कोई प्रश्न है आपका तो डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आप हैं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश से तो स्वागत है सर आपका मेरा भी तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार राम राम तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि भाई जो गन्ने की फसल है एक तो जी हमने सुरक्षा कैसे करनी है और खासतौर से अभी जो कीड़े आ रहे हैं कौन कौन से कीड़े हैं जो अभी परेशान करते हैं अभी बात कर रहे थे हम बीमारियों की तो कीड़ों की बात अगर कर रहे कौन कौन से कीड़े परेशान करते हैं देखिए इस समय जो अभी हमारा समय चल रहा है अगस्त का महीना चल रहा है तो इस समय सबसे ज्यादा जो परेशान किसानों को कर रहा है वो अगुला तक कीट हुँ. जिसको हम टॉप बोरर भी कहते हैं और किसानों की भाषा में अगुलावेदक कीट है हुँ. ये सबसे ज्यादा हमारे किसान भाइयों को परेशान कर रहा है जी. और इसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या हमारा बिहार का हिस्सा है महाराष्ट्र का हिस्सा है हुँ. इन सभी क्षेत्रों में जहां पर गन्ना उगाया जाता है उन सभी क्षेत्रों में इस कीट के प्रकोप की वजह से किसान की पैदावार काफी प्रभावित होती है और कहीं कहीं इसकी वजह से लगभग पचास प्रतिशत तक पैदावार हमारे किसान भाइयों की गिर जाती है बहुत बड़ा नुकसान जी का कारण है ये तो इसकी जो शुरुआत होती है वो मौसम में एक तरह से देखा जाए तो आर्द्रता जैसी आती है या कि ये कहें प्री मानसून की जैसी बारिश शुरू होती है वैसे ही इसकी तितली जो होती है वो अंडा देना शुरू कर देती है एगलिंग करना शुरू कर देती है और ये गन्ने की ऊपर से पहली दूसरी और तीसरी यानी गन्ने की जो हमारी पत्तियां लगी हुई है उन ऊपर से पहली दूसरी या तीसरी इन तीन पत्तियों में से किसी पत्ती पे वो अपने अंडे देगी और अंडे दे करके एक मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ निकाल करके उससे पत्ती के निचले हिस्से पे ये भी देखने की बात है कि वो पत्ती के कभी उपले हिस्से पे नहीं देगी निचले हिस्से पे पत्ती के पे जिसका हमें ध्यान रखना विशेष तौर पर तो इस पे अंडे दे करके वो एक बिल्कुल डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे इसको भी लेकिन उससे पहले एक कॉलर है वो जुड़ गए हैं साथ में तो जान लेते हैं क्या अपने हैं हेलो जी जी नाम बताए सबसे पहले अपना मेरा नाम जय सिंह है जय सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप जिला अमरोहा अमरोहा है अम्रुणा से। है से मंडी धनौरा गांव आजमपुर जी क्या प्रश्न है आपका सर जी ड्रोन किस तरह उपलब्ध होगा अच्छा ड्रोन किस ड्रोन, ड्रोन के लिए देखिए ऐसा है कि मेरा ये कार्यस्थली जनपद है और मैं समझता हूँ कि मेरे बात धनौरा से समझ रहे होंगे मेरे किसान भाई मैं इसी जनपद में कार्य करता हूँ देखिए आपको ड्रोन के बारे में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अपने अमरोहा जनपद में इफको के द्वारा चार ड्रोन उपलब्ध हैं उनको आप कभी भी उनको किराए पर हायर सिस्टम से उनकी व्यवस्था की गई है आप इफको के कि किसी भी सदस्य से संपर्क करके या कभी भी मेरे कार्यालय में आ जाइए कृषि विज्ञान केंद्र पे अमरोहा पे गजरोला में मैं बैठता हूँ ऑफिस कार्यालय गजरोला है तो वहां से हम आपके ड्रोन की व्यवस्था करा देंगे धान के खेत में या गन्ने के ये अपना जो जनपद का कृषि विज्ञान केंद्र है वो गजरोला में है जैसे ही बछराइयों से आप निकलेंगे वैसे ही आपको कृषि विज्ञान केंद्र अरोला तेजवन के पास ही गांव है वहीं पे कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ अपना जनपद का कौन से गांव में अरोला तेजवन और आपके उस तरफ से काफी किसान हमारे संपर्क में आते रहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको ड्रोन की व्यवस्था हम करा देंगे और आपको जिस फसल में भी कीटनाशक का या किसी उर्वरक का छिड़काव करना है तो निश्चित रूप से आपको हम आपका सहयोग करेंगे जी बिल्कुल डॉक्टर साहब और बात जैसे हम कर रहे थे कि भाई जो एगलिंग जब इसकी होती है तो जब निचली तरफ है हाँ, वहां पे एगलिंग इसकी ज्यादा हाँ, है ये भी देखने की बात है कि ये पत्ती के निचले हिस्से पे ही एगलिंग करती है और एगलिंग का मतलब अंडे देती है और अंडे दे करके एक उसी समय पे एक मोम जैसा चिपचिपा सा पदार्थ पदार्थ निकाल करके वो उससे चिपका देती पेस्ट कर देती है और उसी से ही दस दिन के बाद में चूड़िया निकलती हैं और वो आप ये देखेंगे कि जो गंदे की मिड रिप होती है पत्ती की उसके सहारे से जाकर के वो ऊपर से जिस पत्ती पे वो लगी होगी उसी पत्ती पे की पोई जहां पे लगी होगी उसी को जाकर के उसमें छेद करके और अंदर गोप में जाकर के बैठ करके उसके पत्ती जो पोई है उसको खा जाती है अब यहां पे देखने वाली ये बात है कि ये निचले हिस्से में देती है निचले हिस्से में देने का आ, कारण है कि जिससे सूर्य से बची रहे और उससे उसका प्रोटेक्शन हो जाता है और मिड रिप के सहारे से जो बीच की जो गांठ वो होती है उसके सहारे ऊपर जाती हैं जा सकती है हाँ। या तो, जो गन्ना है उसका रस वो मिड रिप से ही चूस लेती है नहीं उसमें छेद करके और उसके पिथ के हिस्से को बीच का जो पिथ होता है मैट्रिक्स होता है उसके बीच को खा जाती है और जब वो खा जाएगी तो वहीं से गन्ना की बड़बार खत्म हो जाएगा उसके ऊपर जाएगी नहीं जाएगी नहीं इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें किसान अभी नहीं पता चलता है सितंबर और अक्टूबर में जब जाकर के गन्ना की वो कटाई शुरू करता है तो उसमें देखता है कि साहब मेरे पंद्रह परसेंट बीस परसेंट जाकर के बंची टॉप टाइप के गन्ने निकलते हैं जिनको कन्फर्रा भी गाँव की भाषा में कहते हैं कन्फर्रा गन्ना कनफर्रा बिल्कुल हाँ तो वो गन्ना अगर चार फीट का है तो चार फीट का रह जाएगा पांच फीट का है तो पांच फीट का रह जाएगा छह का होगा तो छह का रह जाएगा तो अब जब गन्ने की एक औसत बढ़वा रहा है लगभग साढ़े लेकर के सात फीट है और अगर फीट फीट पे फीट पे गन्ने में उसने ने प्रभावित कर दिया है तो लगभग फीट का तीन फीट का गन्ना अगर आप की बड़वार रुक गई है और पूरे एक हेक्टेयर में लगभग चार साढ़े चार लाख गन्ना है केन है तो आप उसका आकलन कर सकते कि, कि कितनी पैदावार हमारी प्रभावित हो प्रभावित हो सकती आ, है बिल्कुल डॉक्टर थोड़ा सा संक्षिप्त में एक तो टॉप बेर की हम बात कर रहे हैं तो और कौन कौन से इसमें कीड़े हैं जो अभी परेशान कर सकते हैं नहीं इसमें तो देखो इस समय जो सबसे ज्यादा जो करना प्रभावित कर रहा है वो टॉप वो नहीं कर रहा है इसके अलावा और कोई अभी समय कोई कीड़ा भी इस समय कोई प्रभावित नहीं करता है केवल इसके बाद में फिर बीमारी जो आती जो डॉक्टर साहब ने इस पे चक्कर जिक्र किया होगा बीमारी तो अभी आपकी शुरुआत हो जाएगी वैसे हालांकि रोड की शुरुआत आपकी बिल्कुल डॉक्टर साहब छोटा सा विराम लेंगे उसके बाद जो बीमारियों की बात हम करेंगे अभी तो जो कीड़े हैं खासतौर से या फिर कुछ रसायन जो देने जैसे यूरिया की हम बात करते हैं या फिर पोटास की बात करते हैं तो कोई किस्त बची हुई है जो अभी हम गन्ने में दे सकते हैं इस समय नहीं देखिए ऐसा इसमें एक चीज है कि अगर गन्ना आपने विलंब से बोया है क्योंकि गन्ना जुलाई अगस्त और सितंबर इन तीन महीने में गन्ना पचास परसेंट बढ़ता है हुँ. पूरे साल में गन्ना आपका पचास परसेंट और पचास परसेंट गन्ना जो आपका हुँ. जो है आपका इन तीन महीने में बढ़ता है जी उसके पीछे कारण क्या कि जो फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर भी है उसको बिल्कुल डॉक्टर साहब ये सभी चीजें उसको बिल्कुल कंटिन्यू तो, करेंगे और अभी देखेंगे तो सब्जियां हो फल हो अनाज हो या डाले हर खेती में एग्रोना ही डाले एक न ही डाले एक्रोना एक का किसानों से वादा लागत कम और लाभ होगा ज्यादा लाभ होगा ज्यादा खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना एन पी के ट्रिपल सोलह उर्वरक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए हर मौसम में फसले हर मौसम में फसले खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक आईपीएल का एल एमपीके ट्रिपल सोलह उर्वरक हो या खरीफ हर प्रकार की फसल के लिए प्रदान ट्रिपल सोलह उर्वरक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो तो श्रोताओं एक बार फिर हाजिर हैं अपना फोन इन कार्यक्रम लेके और हमारे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड सब्जियाँ हो फल हो अनाज हो या दाले, हर खेती में एकरो ना ही डाले एकरो न ही डाले एकरोना का किसानों से वादा लागत कम और लाभ होगा ज्यादा लाभ होगा ज्यादा खेतों में डालो बेधड़क एकरोना एनपीके के ट्रिपल सोलह उर्वरक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए हर मौसम में फसले लहराए हर मौसम में फसले लहराए खेती के लिए बहु पोषक आईपीएल आई पी एल का एकरोना रबी हो या खरीफ हर प्रकार की फसल के लिए वरदान ट्रिपल सोलह उर्वरक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं विषय गन्ने की फसल सुरक्षा और समसामयिक कार्य विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा और दूसरे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस देवतिया तो शीतल तो एक बारी फोन नंबर हम फिर से बता दे जी बिल्कुल हमारे जो फोन नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं वो है शून्य एक एक दो तीन चार दो एक शून्य आठ दो और हमारा दूसरा नंबर है शून्य एक एक दो तीन चार दो एक शून्य आठ तीन तो इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं गन्ने से जुड़ी जो भी बातें हैं चलिए चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि भाई जो गन्ने में खास तौर पर देखो हमने बात करी जो फसल सुरक्षा है उसकी लेकिन बात और करेंगे उससे पहले एक और कॉलर हैं वो लाइन पे जुड़ गए हैं हेलो नमस्ते जी नमस्कार जी नाम बताएं अपना शीशपाल शीशपाल जी मानव चौक डिस्ट्रिक्ट यूपी हापुड़ से आप बात कर रहे हैं जी क्या प्रश्न है गन्न, आपका गन्ने की फसल है जी उसमें पहले मंगलवार को जो कृषि के एक मंगल छोड़ के पंद्रह दिन पहले जी तो उसमें बात बांध के तो उन्होंने बताया था की आपके गन्ने में जो है आप चार पाँच गन्ने तो हमें भेजे फोटो तो हमने फोटो भेजे उनपे तो उन्होंने बताई थी दवाई आपने जो बताया क्लोरोल और, और उसके साथ में हमने जो है दी। तो गन्ने में बीमारी नहीं रुक गई आप मुझे ये बताएं कि शीशपाल जी आपने गन्ने की कौन सी प्रजाति ली हुई है और बाबक फसल है या पेड़ी है आपकी पेड़ी भी है भी है और जातियां तीन चार हैं जी एक तो जीरो दो सौ तेईस है। एक दो सौ अड़तीस एक दो सौ पैंतीस और एक है दो सौ अठारह किसमें आ रही है दो सौ पैंतीस को छोड़कर टोटल बीजों में समस्या यही है और आपने अभी तक क्या क्या दवा डाली है दवा डाल दीजिए हमने उसमें फिप्रोनील गेर दिया जी हम्म कार्टअप हाइड्रोकलोराइड गेर दिया फिप्रोनिल डाल दिया कार्बोहाइड्रेट डाल दिया और कोपर ऑक्सी क्लोराइड की स्प्रे करवा दी तो अब समस्या क्या आ रही है कि उसमें टॉप बोरर का है या पोका बोइंग की वजह से जो इस कंट्रोल का नियंत्रण नहीं, को, नहीं हो पा रहा आपका कोई चीज का भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा और आपने मतलब है पहले आप बाहर साइड के डॉक्टर गन्ने के उनके बोले इन्हें आप ऐसा करिए शीशपाल जी आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं हाँ ये नंबर नोट कर लूंगा तुम्हारा हाँ नंबर मेरा नोट करिएगा सत्तानवे उन्नीस पैंतीस पैतीस छत्तीस सत्तानवे उन्नीस पैतीस पैतीस छत्तीस ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है आप इस पे मुझे फोटो भेजिएगा और अच्छी सभी प्रजाति की अलग अलग फोटो भेज करके मैं चूंकि देखिए ऐसा है कि एक आप बता रहे हैं और बताने में और देखने में बड़ा फर्क हो सकता है चूंकि आपने काफी दवाएं डाल चुके हैं तो इसलिए मैं अब कोई और दवा बताऊं तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है बेहतर ही होगा दवाई की जो क्वालिटी है वो कौन सी कंपनी की दवाई आपने डाली देखो जी बायर की भी गेंद ली अच्छा बायर की कौन सी थी बायर का गेंद लीजिए और वो जो कोपर ऑक्सी क्लोराइड थी हाँ। वो थी कौन सी अच्छा है, है तो दवाई तो अच्छी तो आपने डोज वगैरह सही गन्ना कितना बढ़ा है गन्ना तो जी इस टाइम हो रहा जून लग गया, एक अच्छा, अच्छा। पाली है फिप्रोडल डाला था तो उस समय किस में टाइम पे डाला था जून में डाला था या अभी जुलाई में डाला नहीं, अभी पंद्रह दिन तो, पहले। दो बार डाल दिया पहले जून में डाल दिया जुलाई में आपने जो इमी बताया ना जी ये की करवा दी ये बताओ यूरिया कब लगाया आपने यूरिया तो जी जून में लगा दी जून से बाद में यूरिया लगाया हमने जून से बाद तो देखिए दवाई तो यही है जो बताई है अब आपको एक रास्ता बचता है आपके सामने आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हापुड़ है हापुड़ है जी हापुड़ तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पे या ये डॉक्टर साहब भी हापुड़ कृषि विज्ञान केंद्र पर रहे हैं अब आपको ये चाहिए तुरंत के कृषि विज्ञान केंद्र से कोई साइंटिस्ट ले जाके आप अपना खेत विजिट कराइए अजी विजिट करवा दिया सिंभावली फैक्ट्री लगती है हमारी वहाँ से भी आ गए एक हमारे खेत जी पूरे क्षेत्र में है ये और हाँ। तो जी एक बात और बताओ जी तुम मतलब तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक दवाई से दे तो रहे ये दुकानदार छह सौ की और कीमत उसका तेरह सौ की आ रही है जी इसका क्या पता लगे की ओरिजनल है या लोकल है एक इसको को छोड़ के टोटल दवाइयों का यही है देखो इसीलिए हमने आपसे कहा था दवाई बहुत आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने आप तो दोगुनी तीगनी क्यों गिर रहे हैं ये किसकी कीमत ये दवाई है जी जो मान लो ये फिप्रोन है मतलब बायर का छह परसेंट में या आठ परसेंट में जिसे तो रहे हैं ये पैकेट चार किलो का छह सौ का उसकी कीमत आ रही है तेरह सौ पच्चीस रूपए तो हमें ये पता ओरिजिनल है है लोकल नहीं वो सब पे ही होती है ज्यादा होता है एमआरपी एमआरपी हमेशा ज्यादा होता है ये कम से देते हैं वो आप उस झंझट में मत पड़ो आप बढ़िया कंपनी की खरीदो एक दो दुकानों पे पता कर लो कि भाई कितनी कीमत है उससे करो आप ये अगर आपको करना है इसका दूसरा डिपार्टमेंट इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है हाँ जी हाँ जी ठीक है तो अब अब क्या, क्या करें जी? गन्ने के लिए बता तो रहे भाई अब आदमी ही जाके कोई बता पाएगा नंबर ले लिया ना डॉक्टर साहब का हाँ तो आप इनसे संपर्क कीजिए देखो ऐसा यहाँ से बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता हम तो संभावित बताते हैं जो भी आप बताते हो लक्षण उसके आधार पर बताते हैं शीशपाल तो जी मैं आपसे अब एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैंने आगे। आगे। आपको नंबर दिया है दूसरा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र आपका बाबूगढ़ छावनी पे है अटूटा गांव के पास में आप वहां पे जाकर के वहां के इंचार्ज हैं उनसे मिलिए जाकर के उनको लेके आइएगा तभी मौके पे जब खेत देखा जाएगा वैज्ञानिकों की टीम द्वारा तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है मुझे फोटो सेंड करिएगा मैं उन उनपे देख करके कुछ अगर मदद हो सकती है तो मैं निश्चित आपकी मदद करूंगा जैसे आप बता रहे हैं बहुत दवाएं डाल चुके हैं हम और अब आप, आपको दवाएं अब आप नहीं बताना चाहते हैं तो उम्मीद है शिशपाल जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा तो डॉक्टर साहब जैसे हम देख रहे हैं और ये लोग भी कि भाई टॉप बोरर जो है बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है इस समय और खासतौर से जो अपना एक सीमित क्षेत्र जैसे अभी बात कर रहे थे हापुड़ से ही तो हम बात करेंगे टॉप बोरर की और एक श्रोता और है लाइन पे बात कर लेते एक बार उनसे हेलो मवाना सु के पास गाँव है जिला मेरठ में जी जी प्रश्न पूछिए अपना पेटी है अड़तीस पैतीस में तो कीड़ा नहीं है पैंतीस भी लगा रखा हमने लेकिन अड़तीस में आठ फूट जो सड़क के आस पास है वो सारे पेड़े पड़ रहे हैं। जमन लगा। अच्छा नीचे से ब्यात होने लगा है हाँ जी जो आठ लाइनें बता रहे हैं, वहाँ पे कोई छाया नोर वगैरह लगा हुआ है आपका क्या नहीं छाया पाया कुछ भी नहीं है उनमें से किसी भी पेड़ को आपने जड़ सहित उखाड़ करके गन्ना बीच में से फाड़ करके चेक देखा है चेक देखा उसमें कालापन आया कालापन आया है हाँ, हाँ से काट के देखा था मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि ये जो गन्ने हैं इनके ये जो काला नीचे से जड़ काली पड़ रही होगी इसको कहते उखटा रोग बिल्ट ठीक है और आपने देखा होगा कि ऊपर से जो तीसरी चौथी पोई है वो पत्तियां हैं वो सब पीली पड़ रही होंगी आपकी वो पीली पड़ रही है हाँ तो इसलिए इसका सबसे बेहतर तरीका यही है ये जो आपकी आठ लाइनें हैं नोर के किनारे की ये लाइनें बहुत लंबी नहीं चलेंगी इनको अलग ही रख दीजिएगा या इनको काट करके चारे में खिला लीजिएगा इनका अब कोई भी उपचार इस अवस्था पे संभव नहीं है बारिश कम हो जाए इस वजह से नहीं बारिश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता बारिश से अगर होता तो सूखता गन्ना और गन्ना तो वैसे भी बहुत सख्त फसल है सूखा पड़ जाए तब भी सहन कर जाता है बाढ़ भी डूब भी जाएगा तब भी गन्ना नहीं मरता है तो मैं समझता हूँ आप मेरे से ज्यादा उम्र दराज तजुबेकार होंगे गन्ने में अगर पीला पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि को उसमें कोई न कोई बीमारी है अब वो बीमारी क्या है कीड़ा है या बीमारी है ये हमको देखना है हमने आपको लक्षण बताए पीड़ी, पीड़ी पत्ती है आठ खूडे पे है हाँ तो मेरा हाँ आगे नहीं है तो उनको आप काटिए काटने के बाद में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या ट्राइकोडर्मा इन तीन चीजों में से किसी एक चीज का घोल बना करके और जहां से इन थावलों को उखाड़ के निकालेंगे वहां पे इनकी तुरंत उनको साथी के साथ डलवा दीजिएगा जिससे और गन्ने के खूनों में ये न फैले ट्राइकोडर्मा ब्लीचिंग पाउडर हाँ तीन चीजें मैंने बताई ट्राइकोडर्मा डलवा सकते हैं ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम आता है चार ग्राम एक लीटर पानी में घोल लीजिएगा या ब्लीचिंग पाउडर है वो पानी में घोल सकते हैं या आपका कॉपर ऑक्सी क्लोराइड दो ग्राम पर लीटर पानी में इनमें से किसी को भी घोल करके साथ ही साथ डलवा दीजिएगा जिससे कि ये और आपके जो थाबले हैं और जो खून है उनमें ये बीमारी ना फैले तो है अंदर नहीं है बीच में हाँ तो बस इसके सावधानी रखने की जरूरत है मैं इसलिए आपको सुझाव दूंगा इलाज नहीं है इस बात डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद आकाशवाणी का धन्यवाद नहीं नहीं आपका भी शुक्रिया जो आपने प्रश्न पूछा आकाशवाणी से धन्यवाद जी धन्यवाद तो डॉक्टर साहब ये तो ठीक है मतलब एक फंगस की समस्या है और दूसरे खेत में ना फैले तो वही अपना हाँ, उपचार ही यही है इसका अलावा और कुछ नहीं है चारे में इस्तेमाल कर हाँ, चारे में इस्तेमाल कर लीजिएगा और उसको सबसे बड़ी बीमारी हम जैसे हमारी ये किसान बता रहे थे कि आठ खूंड है हमें आठ खूंड के साथ साथ में हमारा एक एकड़ का या एक हेक्टेयर का या दो बीघे का खेत है हमको उनको बचाने के बारे में सोचना चाहिए ये तो गए आठ जी इनको आठ के बारे में अब हमें नहीं सोचना हमें सोचना ना आगे फैले क्योंकि जितना हमारी रेड रोड है काना रोग ये, है ये ये कह रहे हैं आठ में है इन्होंने ध्यान से नहीं देखा वो नौवे में भी कहीं कहीं पहुंच गया होगा हो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आठ में ही वो चलेगा सीधे को ऐसा इस तरह से सीधी नहीं चलती नहीं, है नहीं, कूड़ कूड़ में ऐसा नहीं, नहीं, नहीं चलता है लेकिन मैं मानता हूँ भाई चूंकि वो देखे हुए वो किसान है हाँ। उनकी खेत है हम तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनकी बात पे विश्वास करते हैं लेकिन ये मैं कह सकता हूँ जो भी हमारे किसान भाई श्रोता इस बात को सुन रहे हैं मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि गन्ना हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन जरूर है लेकिन गन्ने को बोते समय उनका बीज उपचार अवश्य किया करें जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने कहा मवाना से जो किसान पूछ रहे थे अगर काना रोग आ जाता है उखटा रोग जिसको बिल्ट कहते हैं या आपका स्मट वाला बीमारी आ जाती है इनका इस अवस्था पर कोई भी इलाज संभव किसी भी वैज्ञानिक के पास संभव नहीं है और ये ऐसी चीजें हैं कि किसान की आधी साल की फसल पकी हुई जो जाकर के खराब होती है तो बड़ा ही स्थिति किसान के हम समझते हैं चूंकि हम लोग किसानों के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा किसान भाइयों से बड़ा ही हमल रिक्वेस्ट है बड़ा ही मैं आदर के साथ किसान भाइयों से कहूंगा कि किसान भाई गन्ने की बुआई के समय पर अपने पक्षी जिसको कहें या गन्ने के टुकड़े कहें या उनको सेट्स कहें या का हाँ जो भी समझते हो दो का काटे और उनको उपचार करके बुआई करेंगे तो हम बहुत हद तक इन ये बीमारियों को से बचाव कर सकते हैं और बोने के टाइम पे अपने खेत में ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में उपजा करके उसको आठ दस दिन ग्रो करा करके जो उसमें उसका पेनीशीलियम फैल जाएगा और उसके बाद में अंतिम जुताई के समय पूरे खेत में बिखेर करके और जुताई कर दें तब भी हम किसी हद तक बीमारी से बचाव कर सकते बिल्कुल सही बात है और आपने बताया कि की जो डालनी है खासतौर पर जो किसान साथी है आपने गोबर की जो खाद है उसके साथ डालना है लेकिन ध्यान रखना भाई वो कच्ची जो गोबर की खाद है बिल्कुल बिल्कुल कच्ची नहीं होगी तो दीमक आ जाएगी समस्या पैदा करेगा हम कर रहे हैं लाभ के लिए वो हमारे लिए एक और नहीं समस्या खड़ी कर देगा फिर तो फिर फिर भाई आपने वो वो दवाई हाँ, बताई थी और उसने फिर वो काम इतना तो, नहीं हाँ, सड़ा हुआ गोबर हो उसको भी ठंडा कर ले अगर नीचे से गर्म गोबर निकालेंगे क्योंकि जो हम ट्राइकोडर्मा लेते हैं वो भी एक उसके अंदर भी फंगस है तो उसको फंगस को बचाने के लिए अगर आपने तुरंत गोबर नीचे से निकाल के लाए सड़ा हुआ और तुरंत उसमें मिला दिया तो उसमें फंगस मरने की संभावना रहती रहती है सही बात है उसकी गर्मी से वो मर जाएगा उतना कारगर नहीं कारगर हो नहीं होगा तो इसलिए इसको ये भी किसान भाई हमारी सावधानी रखें और इन सब चीजों को अगर करते हैं तो मैं समझता हूं कि गन्ने से बहुत अच्छी पैदावार है। जो हमारे देश के किसान है जहां जहां पे हमारे गन्ना होता है महाराष्ट्र है तमिलनाडु है कर्नाटका है बिहार है उत्तर प्रदेश काफी बड़ा क्षेत्रफल में है तो ये मतलब क्षेत्र के किसान भाई गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब और देखो जैसे आमतौर पे जो अपने किसान साथी हैं उनके प्रश्न भी आए हैं और जैसे आपसे बातचीत करी कि भाई इस समय जो सबसे ज्यादा समस्या है वो है टॉप बोरर की जी जिसका कि मतलब किसान साथी इस समय थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखें और अभी जैसे आने से पहले इसमें जो किसान साथी है वो कितना ध्यान रख सकते हैं डुकर? हाँ बिल्कुल आपने एक ये बोला हमारे किसान भाइयों के लिए चूंकि अब तो इस समय चल रहा है लेकिन आने वाले समय के लिए हमारे किसान भाई ध्यान रखें मैंने एक बात शुरुआत में कहा था कि इसकी तितली जैसे ही प्री मानसून की बारिश होती है या मौसम में आर्द्रता आती है वैसे ही इसकी तितली अंडे देना शुरू करती है तो आप किसान भाई इसकी ये माना जाता है कि पंद्रह जून के आसपास से इसकी आगमन का की जो टॉप हो, हो जाता है शुरू हो जाता है अगर उसी समय पे अगर हम ट्राइको कार्ड अगर लगा देते हैं तो ट्राइको कार्ड अगर हमारे किसान भाई में इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसान भाई अगर पूरे सीजन में तीन बार ट्राइको डर ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि लगभग पिछहत्तर से अस्सी प्रतिशत तक हम टॉप बोरर को बिना किसी रसायन दवा के डाले हुए बहुत अच्छी तरह से कारगर उसका नियंत्रण कर सकते हैं तो एक खेत में कितने जो कार्ड है वो हमें लगाने चाहिए और इसका क्या तरीका है देखिए कार्ड जो है आपका एक तरह के पोस्ट कार्ड होते हैं और उसपे छोटी छोटी तीन से चार बिंदियां रखी रहती हैं। एक जो कार्ड है वो लगभग आठ स्क्वायर मीटर आठ स्क्वायर मीटर एक आठ हाँ एक कार्ड जैसे उसमें लगे रहेंगे तो एक पोस्ट कार्ड के नीचे उसमें से आपने काटा और उसको पिन के माध्यम से स्टेपलर के माध्यम से या ऐसा किसी से उसको चिपका दें, तो उसमें से भी वो भी एक तरह की तितली ही के अंडे हैं, और उसमें से लार्वा निकलेगा और वो लार्वा तितली होकर के जब बनेगी उससे तो वो उन्ही अंडो को खाती है जो टॉप बोरर ने जहाँ पे जिसकी मादा ने अंडे दिए हुए हैं बिल्कुल मतलब जैविक उपचार है हाँ जैविक उपचार है और बड़ा ही सटीक है मतलब हम उसके आगे की जनरेशन को ही हम खत्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ में मेरा अपना एक और तजुर्बा किया हुआ है जैसा कि अभी सीजन चल रहा है तो मैं जरूर इसका जिक्र करना चाहूंगा धान में आपका टॉप बोरर का स्टेप बोरर कह सकते हैं या क्या सूढ़ी का प्रकोप चल रहा है तो इसी तरह से गन्ने में जब हम इस अवस्था पे आते हैं और इसकी मादा करते हैं तो उस समय पे भी अगर हम नीमाष्टक है निमाश्टक। निमाश्टक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत ही कारगर है अगर किसान भाई निमाष्टक बड़ा ही सस्ता देसी गाय के गोबर का पेशाब लीजिए गोबर लीजिएगा और उसमें सभी तरह की पत्तियां जैसे नीम हो सकता है आपकी गिलोय बहुत पेड़ों पर पे उगती रहती है गिलोई की पत्तियां हो सकती हैं शीशम हो सकती है जामुन की पत्तियां हो सकती हैं अमरूद की पत्तियां हो सकती हैं और आपकी जिसको आखा कहते हैं उसके धूरा है इनकी पत्तियों को दो दो डेढ़ डेढ़ दो जिसकी जितनी पत्तियां आपको उपलब्ध हो जाए और इनको आठ से दस दिन सड़ाइएगा सड़ाने के बाद में आप एक अनुपात पांच यानी एक अनुपात आपका ये निमाष्टक और पांच अनुपात में पानी मिलाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो बहुत हद तक हम जो, जो, जो आपके रस चूसने वाले कीट हैं या काटने वाले जो हमारे कीट हैं उनको बहुत हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब जैविक उपचार जैसे आपने बताया और गाँव में तो हम देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एक कहावत भी है कि भाई वो पौधे या फिर वो खरपतवार जिसको जो हमारे गाय

मिला सकते हैं तो और अच्छा फर्मेंटेशन बढ़ जाएगा किंडवन की क्रिया जिसको जल्दी भी हो जाएगी हाँ बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत बढ़िया कारगर उपाय है मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है इसका तो ये जो स्प्रे तैयार होता है ये मतलब ये जो हमारे पास लिक्विड तैयार हो गया है तो इसको स्प्रे के माध्यम से दें या फिर जैसे हम पानी खेत में चलाते हैं तो खुले ये अगर स्प्रे के माध्यम से क्योंकि जब हम इसमें जून के महीने में करते हैं तो जून के महीने में आप आराम से पीठ वाली मशीन से स्प्रे किया जा सकता है हाँ उस टाइम पे तो हाँ जो बढ़वा हाँ, तो उस समय हम अगर कर सकते हैं और अगर आपके खेत में दीमक का भी अगर लग रहा है कि प्रकोप होने की संभावना है आपका व्हाइट ग्रब है जिसको गुरीरा कहते हैं उसकी भी समस्या आपको आपके सफेद ग्र का प्रकोप है तो आप पानी के साथ चला करके भी इसको दे सकते हैं और बड़ा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा गोबरेला न कह करके उसको सफेद गिडारी कहेंगे व्हाइट ग्रब या सफेद गिडार ये मोटी मासल होती है अगला हिस्सा इसका कालासा होता है इसपे पीछे के हिस्सा में चूड़िया सी कटी रहती हैं, अगर आप इसको छू देंगे तो एकदम इकट्ठी हो जाएगी इकट्ठा हो, हाँ, इक हो जाएगा और ये गन्ने के खेत में बहुत तेजी से फैलता है तो इसके से भी जड़े काट देता, उससे भी गन्ना जाता। किसान समझता है, दीमक हो गई है। लेकिन दीमक नहीं होती है तो उसकी जड़ खोद के देख लेनी चाहिए ये जो कीड़ा है या फिर इसमें दीमक की समस्या हाँ। उससे पता लग जाता है देखिए अब कारण क्या है कि मैं किसान भाइयों को भी दोष नहीं दूंगा चूंकि किसान भाई भी पहले जो जिस तरह से खेत की अपनी निगरानी करता था उतनी अब निगरानी किसान भाई भी खेतों की अपनी नहीं करते हैं अगर किसान भाई खेत की डोल के साथ साथ में अगर बीच में खेत में घुस करके ही देखेगा तो निश्चित रूप से क्योंकि किसान एक डॉक्टर की तरह से भी मान लीजिएगा तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी फसल की स्थिति क्या कह रही है मेरी फसल कहां चल रही है उसको पूरा आंकलन होता है एक किसान भी अपने आप में एक वैज्ञानिक है बिल्कुल तो लेकिन शर्त यही है कि किसान सुबह और शाम के टाइम पे खेत की निगरानी करे दोपहर में करेगा तो उसको लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे अगर सुबह जाता है सूर्य उदय के टाइम पे जाता है और शाम को सूर्यास्त के टाइम पे जाता तो उसको निश्चित रूप से कीड़े भी पता चल जाएंगे और बीमारी भी पता चल जाएगी उसकी बिल्कुल मतलब जिम्मेदारी है नैतिक जिम्मेदारी है हाँ। कि भाई अपनी जो फसल है उसके चारों तरफ से एक बार घूम गए सुबह शाम खास तौर से देख लेना चाहिए तो डॉक्टर साहब यह तो हमने बात करी टॉप बेर की और अब बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस समय आ जाए हैं और बल्कि आमतौर पर ज्यादा ज्यादा जो गन्ने में बहुत ज्यादा परेशान कर दे देखिये बीमारी का तो प्रकोप हो चुका है जो बीमारियां होनी थी उनका प्रकोप हो चुका है अब उनके रिजल्ट आने बाकी रह गए हैं जी मतलब ये देखना हाँ, है कि भाई इनकी वजह से नुकसान की तरह हाँ, बस जैसा कि अभी हमारे किसान भाई मवाना से प्रश्न कर रहे थे इनके में ऐसा नहीं है कि बीमारी एकदम आकर के और उन्होंने तुरंत वो कर दिया ये पहले से आकर के अब इसके रिजल्ट आ रहे हैं मतलब डेढ़ महीना लग रहा है अब अभी जैसे ही हमारा अगस्त का महीना खत्म होकर के सितंबर के बाद में सितंबर पंद्रह बीस सितंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर में हम जैसे ही चलेंगे वैसे ही आपको तुरंत किसान कहेगा की साहब मेरी फसल सब सूख रही है क्योंकि उसके बाद में आपके में बिल्ट का उखटा रोग का काना रोग का और आपका स्मट का ये पूरी तरह से आपको लक्षण एकदम क्लियर जी खेतों में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि खेत में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी किसान केवल इसकी वजह से है और सितंबर के बाद में आपको पूरा क्योंकि ये बीमारियों का प्रकोप हो चुका होता है और इसकी अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है जैसे ही आपका थोड़ा सा मौसम ह्यूमिडिटी कम होगी वैसे ही एकदम तेजी से बहुत तेजी से फैलेगा हाँ, तेजी से फैलेगा आप ज्यादा नुकसान हो गया हाँ बिल्कुल फैलेगा और बिल्ट जो है उखता रोग है वो आ, पूरा खेत एकदम खत्म करता है एकदम पूरा खेत जो है आपका ऐसा लगेगा जैसे एकदम सूख गया पीला पड़ेगा हल्का सा फिर एकदम सूखना शुरू हो जाता है जा, और उसकी अगर आप जड़ को उखाड़ करके नीचे से देखें तो नीचे जड़ जो है आपकी काली निकलेगी ये उसका बेसिक मतलब एक मेन कैरेक्टर समझ लीजिएगा कि अगर जड़ काली निकलती है तो निश्चित मानिएगा कि ये उठा रोग के लक्षण है और अगर उसकी नीचे की पोई काट करके बीच से चीर करके देखें अंदर का गूदा जो है आपका लाल निकलता है आंख अंदर को धस जाती है और ए, उसको तो ये लक्षण आप समझ लीजिए हैं ये बिल्कुल आपका रेड रोग के लक्षण है और इसी तरह से अगर आपका स्मट आया हुआ है तो डॉक्टर साहब बात करेंगे इस पे भी और एक कॉलर और जुड़ चुके हैं जी जान लेते हैं क्या प्रश्न अनुका हेलो हेलो डॉक्टर साहब अभी बात हुई थी मैं से बोल रहा हूँ हाँ जी बताए मील में गया था उन्होंने कहा था जो अड़तीस बीज है इसको बदल दो जी तो पैतीस में उत्साह पैंतीस बीघा पैतीस ठीक है आप देखिए ऐसा है कि अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहें कि जीरो दो सौ अड़तीस को जीरो दो सौ अड़तीस वेराइटी है ये अब कहीं पे भी किसी भी वैज्ञानिक से या किसी भी शुगर मिल के बारे में ऐसे पूछेंगे तो वो इस वेरायटी को लिए इस प्रजाति को नहीं कहेगा कि अब आप लगाएं क्योंकि इस प्रजाति के अंदर अब सभी समस्याएं आई गई ये इस तरह से समझिएगा जैसे आपकी सीओ जे चौसठ थी चौसठ में भी ये धीरे धीरे समस्या आप अगर आप पुराने आदमी हैं किसान हैं तो निश्चित मेरी बात को समझेंगे सीओजे चली चली गई गई इसी तरह से चली गई कि पूरा किसान एकदम उसी के पीछे आया और उसमें भी रेड रोड की समस्या की समस्या सबसे ज्यादा आई और इस वेरायटी को खत्म हो गई अब इसी तरह से अठासी दो सौ प्रजाति थी आपकी सात सौ सड़सठ प्रजाति थी ये सारी धीरे धीरे प्रजातियां जब आप बहुत ज्यादा जब उसको वरायटी को कोई वैज्ञानिक निकालता है तो वो प्रजाति उस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस थी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उसके अंदर लेकिन मौसम में और बहुत ज्यादा संख्या में उगाने की वजह से वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देती है और उसके बाद में ये बीमारियों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो जब एक बार समझने की कोशिश करिएगा जब किसी प्रजाति में आप बीज से भी जब बीमारी आ रही है और आपके खेत से भी बीमारी आ रही है तो उसको फिर कैसे बचाया जाए और आप उपचार करना नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे संभव होगा कि उस वेरायटी को बचाया जाए तो इसलिए किसान भाइयों आप थोड़ा सा समझें कि अब इस वैराइटी को तो छोड़ दीजिएगा दूसरी जो आपके मिल क्षेत्र में जो वेरायटी चल रही है उनकी बुवाई करिएगा और गन्ने का देखिए जो भी वेरायटी प्रजाति बो रहे हैं बीज उपचार जरूर करिएगा मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि बीज उपचार करके बुवाई करेंगे तभी आपको आप किसी प्रजाति को बहुत लंबे समय तक ले जाएंगे और अगर आप बीज उपचार नहीं करेंगे तो कोई भी वेरायटी चार साल तीन साल पांच साल बाद खत्म हो जाएगी बिल्कुल डॉक्टर साहब और चलते आग्ण चलते डॉक्टर साहब अभी बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं जो अभी गन्ने की फसल में हम दे सकते हैं देखिए इस समय अब गन्ने को कोई भी पोषक तत्व तो देने की जो हमारा गन्ना समय से बोया हुआ है यानी समय से मतलब है कि मार्च से लेकर के और पंद्रह अप्रैल के आसपास तक अगर आपने गन्ना बोया है तो उसमें अब कोई भी उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। क्योंकि यूरिया की जो आपकी आखिरी खुराक थी वो आपने पंद्रह जुलाई के आसपास मानसून से पहले पहले, दे पहले दे आपने दस से पंद्रह जुलाई के आसपास आपने दे चुके हैं उसके बाद में कोई उर्वरक देने की अब जरूरत नहीं है ये केवल उर्वरक अब उन किसान भाइयों को देने की संस्कृति कर सकते हैं जिन किसान भाइयों ने गन्ना अप्रैल के बाद में मई में पंद्रह अप्रैल के बाद से लेकर के और पूरे मई के महीने में अगर गन्ना बुआई किया है तो उसकी बढ़वार उतनी नहीं हो पाती है इसलिए जैसे ही बारिश खत्म होती है बारिश खत्म होगी हमारी पंद्रह सितंबर के आसपास खत्म हो जाती है तो उस समय पे आकर के एक आखिरी जो यूरिया हमारी बची हुई है उसकी ट्रोप ड्रेसिंग वो किसान भाई कर सकते हैं या कोई पर्णी छिड़काव जो जल घुलनशील उर्वरक कोई हमारे हैं उनका पर्णी छिड़काव करके अब तो ड्रोन का भी है या टैंकर के माध्यम से कर सकते हैं तो अगर आप कर देते तो उनके गन्ने की थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो गन्ना हमारा सामान्य अप्रैल में जाकर के कटता है तो इसलिए उसको बढ़वा के लिए मौका मिल जाएगा अन्यथा किसी में भी कोई उर्वरक डालने की जो समय से, से गन्ना बोया उसमें कोई उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल डॉक्टर साहब और आज का विषय था गन्ने की फसल सुरक्षा और समसामयिक कार्य इस विषय पे आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे साथ थे डॉक्टर यू एस देवतिया जो मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान आई पी एल न्यू दिल्ली से और साथ में डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश से तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे सभी श्रोता किसान भाइयों का भी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं जी तो श्रोताओं आज के हमारे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गणनी की पाठशाला के प्रायोज थे इंडियन पोटाश लिमिटेड खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी आईपीएल की पॉलीहेलाइट आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी फसलों की उत्पादकता को तो खूब बढ़ाएगी किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी आई की पॉली हेलाइट आई की पॉलीहेलाइड। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आई की पॉलीहेलाइड समझदार किसानों की पहली पसंद आई की पॉली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम, राम।, राम।